स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स में। गत 17 नवंबर को गोलमुरी में हुई गोली चालन की घटना में घायल प्रवेश कुमार के इलाज हेतु बस्तीवासी फंड इकट्ठा कर रहे हैं। आज उन्होंने उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत ईस्ट प्लांट बस्ती में बीते 17 नवंबर को हुई गोली चालन की घटना में घायल युवक प्रवेश कुमार की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। उसका इलाज कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना के बाद बस्तीवासी दहशत का माहौल है। वहीं युवक के इलाज में हो रहे खर्च का वहन करने में परिजन सक्षम नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर गुरुवार को बस्तीवासी एकजुट होकर जिला मुख्यालय पहुंचे और एसएसपी से मिलकर और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। एक बार फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रशासन द्वारा योजना के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसे लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ को रवाना किया। राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का इससे पूर्व में भी आयोजन किया गया था। पुनः इस कार्यक्रम की शुरुआत राज्य सरकार के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले में 24 नवंबर से 29 दिसंबर तक किया जा रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत पड़ने वाले विभिन्न गाँवों और प्रखंडों में अंतिम व्यक्ति तक को कैंप की जानकारी मिले और किस किस योजनाओं से संबंधित कैंप का आयोजन हो रहा है इसकी जानकारी मिले, इन सब को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कार्यालय से प्रचार रथ को रवाना किया गया। राज्य सरकार के जो मार्गदर्शन है और सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम पंचायत शिविरों का आयोजन हो रही है और सभी योजनाओं का और ग्रामीण इलाके में आम नागरिकों को आमजनों को जानकारी देने के लिए शिविर की कौन सी तारीख में होगा और कौन कौन से योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये सारे ये गाड़ियाँ जो है सभी प्रखंडों में पंचायतों में जाकर और लोगों को जानकारी देगी ताकि जितने भी लोग जिनको लाभ मिलना चाहिए जैसे अबुआ आवास योजना और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। परीक्षा परिणाम में त्रुटि को लेकर अखिल झारखंड छात्र संघ द्वारा वर्कर्स कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया गया। 20 दिन पूर्व थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में कथित तौर पर कई त्रुटियां पाई गई। झारखंड छात्र संघ वर्कर्स कॉलेज इकाई के द्वारा राजेश महतो एवं कामेश्वर प्रसाद के संयुक्त नेतृत्व में वर्कर्स कॉलेज के प्रचार का घेराव किया गया और जोरदार नारेबाजी की गई। हंगामा करने का मुख्य मकसद बीते 20 दिन पूर्व थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम प्रकाशित हुआ है जिसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई गई है। जितनी भी प्रैक्टिकल विषय है उसमें एक भी छात्र पास नहीं हो पाया है। सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। इस समस्या का कारण जानने के लिए जब हम लोगों ने प्रयास किया तब पता चला कि प्रैक्टिकल के सेट पेपर का मार्क्स विश्वविद्यालय के द्वारा मांगा नहीं गया। इसी कारण महाविद्यालय के द्वारा भी मार्क्स फाइनल अपलोड नहीं किया गया जिस कारण सैकड़ों छात्रों का रिजल्ट प्रमोट आया है। आज अखिल झारखंड छात्र संघ के तरफ से आज प्रभारी प्राचार्य पाठक सर को हम लोग घेराव किए हैं और आज थर्ड सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं यूजी थर्ड सेमेस्टर के सब बच्चों का जो रिजल्ट आया है सब में बच्चे को प्रमोट कर दिया गया है। उसी से रिलेटिव सर से बात करने गए हैं और यूनिवर्सिटी से जो प्रैक्टिकल नंबर यहाँ से मांगा जाता है वो प्रैक्टिकल नंबर मांगा नहीं गया और वहाँ से लोग सेट पेपर का नंबर भी ऐड नहीं किया है। यहाँ से बच्चे लोग यहाँ से अपना लेटर भी जमा किए हैं लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ना नंबर ऐड हुआ है। काफ़ी मशक्कत के बाद ठेका कंपनी मेसेस गोल्ड लाइन लॉजिस्टिक के मजदूर प्रेमचंद चौधरी को ठेकेदार द्वारा 45,000 सौंप दिए गए। करीब 10 माह पूर्व उन्हें बिना किसी भुगतान के काम से बैठा दिया गया था। मेसर्स गोल्ड लाइन लॉजिस्टिक्स के ठेका मजदूर प्रेमचंद चौधरी को 45,000 रुपये ग्रेचुटी के चेक प्रदान किया गया है।
ज्ञातव्य है कि आज से लगभग 10 माह पूर्व मैसेस गोल्ड लाइन लॉजिस्टिक के द्वारा उन्हें काम से बैठा दिया गया था, लेकिन कार में बैठाने के बाद उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया था, जिस पर ठेका मजदूर ने एटक के राज्य सचिव सह टेलको मजदूर यूनियन के महासचिव अंबुश ठाकुर को लिखित आवेदन दिया था। कई दौर वार्ता चलने के बाद आज श्रम अधीक्षक जमशेदपुर राजीव कुमार की उपस्थिति में त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें मालिक के तरफ से उज्जवल दत्ता तथा मजदूरों के तरफ से अंबुज कुमार ठाकुर उपस्थित थे। टाटा मोटर्स के गोल्ड लाइन लॉजिस्टिक में काम करने वाले प्रेमचंद चौधरी को विगत 10 माह पहले बैठा दिया गया था। ये मेडिकली अनफिट में थे और कंपनी के द्वारा इन्हें कह दिया गया कि अब काम पर नहीं रखा जाए। अंततः हमने इनकी सुनवाई के लिए उप श्रमायुक्त महोदय के यहाँ फरियाद लगाया, जिस पर सुनते हुए यहाँ के लेबर सुप्रिंटेंडेंट ने काफ़ी प्रयास के बाद आज एक रास्ता निकला है और प्रेमचंद चौधरी को ग्रेचुटी के रूप में 45,000 रुपये का भुगतान आज कराया गया। इसके लिए हम उप श्रमायुक्त महोदय तथा श्रम अधीक्षक जमशेदपुर को धन्यवाद देते हैं। सिद्धौड़ा टाउन हॉल में आयोजित बाल मेले में बच्चों की भीड़ उमड़ रही है। मेले के तीसरे दिन विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने कई स्पर्धाओं में भाग लिया। सिद्धौड़ा टाउन हॉल मेले में आयोजित बाल मेले में बच्चों की भीड़ उमड़ रही है। मेले के तीसरे दिन कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। मौके पर पहुंचे विधायक सरयू राय ने बताया कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके, इसलिए इस मेले का आयोजन किया गया है। बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य बाल मन का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करना है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम को ही माइक शो का आयोजन होगा। इसमें कमल नश्कर अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। शो बिल्कुल फ्री है। इससे पहले सुबह 11 बजे से एडवेंचर शो, कुश्ती और ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन होगा। चौथा दिन है मेला का और यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों का उत्साह है। जितने खेल की प्रतिस्पर्धाएं हैं सब में बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए शिक्षा के स्टॉल भी लगे हुए हैं। NCERT का स्टॉल लगा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो आप बहुत पैसा देकर खरीदते हैं प्राइवेट संस्थाओं से, उससे बेहतर आपको शिक्षा के दस्तावेज मिल जाते हैं NCERT में फ्री में। बाल अधिकार संरक्षण के भी स्टॉल लगे हैं, कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें स्टॉल लगाई हुई हैं, विधिक प्राधिकार भी है। और ये मेला पूरी तरह से हम लोगों का ये किसी भी कोण से व्यावसायिक नहीं है। ग्रामीण इलाकों में हाथियों की मौत पर SUCI संगठन ने एक मांग पत्र सरकार को सौंपते हुए चाकुलिया और धालभूमगढ़ से एलिफेंट कॉरिडोर निर्माण की मांग उठाई है। जिला में आज बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ गई है। पूरा चाकुलिया धालभूमगढ़ प्रखंड में हाथी के कारण से लोग मर रहे हैं। हाथी फसल बर्बाद कर रहे, तो हाथी का दोष नहीं है, दोष है हमारा प्रशासन का। जो हाथी को रखने के लिए हाथी कॉरिडोर का निर्माण करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसलिए हाथी भी मर रहा है बिजली का करंट लग करके, इंसान भी मर रहा है, फसल भी बर्बाद हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है। हम लोग प्रशासन से मांग करने आए हैं कि तुरंत हाथी कॉरिडोर का निर्माण किया जाए और जिला की जनता को इस समस्या से मुक्ति दिलाया जाए। संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा रांची में राजभवन के समक्ष 3 दिवसीय महापड़ाव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 11 ट्रेड यूनियन के लोग शामिल होंगे। इस महापड़ाव में 11 ट्रेड यूनियन के सदस्य शामिल हो रहे हैं। 500 की संख्या में लोग रांची राजभवन के लिए कूच करेंगे। केंद्रीय ट्रेड यूनियन स्वतंत्र फेडरेशन मंच और संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जहां 26 नवंबर से लेकर कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 28 नवंबर को रांची राजभवन के समक्ष महापड़ाव का समापन होगा। आज 3 दिन पहले से 26 नवंबर को लेकर के प्रचार चल रहा है। संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरे शहर में, चूंकि ये जमशेदपुर शहर श्रमिकों का शहर है, इसके इर्द गिर्द आप चले जाए बारागुड़ा, घाटशिला, चकुलिया, पटमदा, पुटका, ये तमाम क्षेत्रों में किसानों को लेकर के हम लोग गुलबंद कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि 26 नवंबर से 28 नवंबर को जो महापड़ाव होने जा रहा है, जिसमें नीति तय होगा इस देश को बचाने में
किसकी भूमिका है वो रहेगा, या इस देश में जो बेचने के लिए आए हैं वो रहेगा, इसको हम लोग तय करने जा रहे हैं 26 नवंबर। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स। टिबेट मार्केट एट गुरमुरी सर्कस मैदान, एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुडन कपड़े किफायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यू बॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स, जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं, और इसको लोग बाहर से लेके आते, हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है। और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है यहाँ, हम लोग हर साल आते हैं, अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं। कितने सालों से लग रही है तिब्बत मार्केट? तिब्बत मार्केट जो अभी जो 30 साल से हम लोग यहाँ जमशेदपुर में लग रहा है। अब जमशेदपुर का वासियों को पता है, हम लोग हर सीज़न में यहाँ पर तिब्बत मार्केट लगता ही है। अभी जो हम तिब्बत मार्केट जो गोलमुरी सर्कस मैदान में जो लगता है, और हमारे यहाँ पर मार्केट में जो भी सामान जो मिलता है वो मतलब रेट जो है रिजनेबल रेट में मिलता है। और क्या है, हमारा यहाँ पर है ना, अभी छोटा बच्चे से ले कर ना बुज़ुर्ग तक सामान सब कुछ मिल जाता है। गर्म कपड़ा जो इसमें जैकेट हो, और या लेडीज़ शॉल्स और कैप्स, सब आइटम मतलब सीज़न मतलब विंटर सीज़न का आइटम सब मिल जाता है। और इसमें ज़्यादा से रेट जो मार्केट से रेट कम है। और हमारे यहाँ पर जो माल जो आता है, सामान जो आता है, स्वीटर वूटर जैकेट को ये सब जो है ना, जो लेटेस्ट जो लॉन्च होता है वो ये हमारा यहीं पर मिलता है। फैशनेबल रेट, फैशनेबल चीज़ सब कुछ यहीं से मिलता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारे समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। Anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे कि आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी निवाली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।